दो फेर ही बंद राखी से बावली हो रही थमी आगे सो बाता में बाता में तो किसी झूलन ना देते। अच्छा मैनु कौन थी दो फेर रह गए फिर यू है यू किले का तो काम नहीं मिटे जागा फिर तू कैसे सोच रही से और किसी किले काटने गए ना ना किले हम के दरस है हापर ले मैं देख नुकसान में घाटा में जावा हर बार कदे तो मी की कदे बाढ़ आ गया कदे बर्फ पड़ कि में भी हो जासे ये ओले को ना निपटना देते सियाणी आराम न जितना देना है उतना देगा हापी कितने हाथ पा मार लिया को नहीं दे उस तो फालतू क्यों ना देवे एक फसल में तो ऐसा है अगर आम का जी करा जब फसल खराब कर दे मैनू कौन थी खेत न छोड़ के अरे कोई नौकरी देख लिया अरे कम से कम 15-20 हजार की तो मिले जागी और नहीं तो सियाणी जमींदार की धरती माँ हो से हर मान छोड़ के चले जावांगे छोड़ने मैनू ना कहती सियाणा काफी जमीन बेच देंगे मैं थोनू घूम देख डूंगाली तो या भी से इठाली एक महीना ठाली रहे इस तरह अच्छी है एक महीने की छुट्टी लेकर फसल काट ले बाकी घने महीने हुए हैं सियाणी तने बेरा से इतना मैं पढ़ रहा कौन है ठीक से हर 7-8 हजार की नौकरी मिलेगी इतने उरे कर लेंगे दो ब्यास फालतू बांध लेंगे उसमें वो ठीक से किसी की सुन भी लिया करो ठीक से बता दो के सुन मने नूना की कितना भी नौकरी कर लो मैं तो नुको हूँ देख ग्रेजुएशन तो मैं कर रही हूँ काम नहीं तो मैं कर लूँ नौकरी और प्राइवेट कोई ढूंढांगे ना एक दो इंटरव्यू मिल जाएगी और 10-12 हजार तो कम मिला कौन है बावड़ी हो रही सकी सिर्फ नौकरी करवाऊंगा मैं है तू बाहर ना जाके कमाऊंगी लोग में तके कहेंगे लुगाई की कमाई खाओ से लोग ना घेरते मारे बोरी लोग किसी तीसी ना करी भोके जाएंगे साले और तू मने नु बता तेरा मेरा क्या होता नहीं बीर नु कह करे गाड़ी के दो पहिए हो तू कम पढ़ रहा है तू खेती संभाल लेगा मैं थोड़ी पढ़ रही हूँ छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी ना सैनी मेरा जी ना करे फिर मैं नौकरी करवाऊँ देख अपना घर न रह के ना बालक ना संभाल मेरे लिए खेती करवा ले बहू ने खेता मत ले सके से तू ऑफिस में बैठी ना देख सकता हद हो जाना बात सैनी देखना तो चाहू हूँ पर माँ बाबू से ना माँ बाबू भी नट जाएंगे बस मैं पूछूंगा तो मेरे भी हिसाब से तू रहने दे बढ़िया रहेगी तो उरे अपना कर ले जोखिमी करना ठीक से तारा मने ना मानता तो और मैं सारी समझू बात यान जान की कोनी बात है तारा शक की तन्ने नू लगता होगा थक मैं तो पढ़ को ना रहा हरिया जाके ऑफिस में जाओगी नौकरी करेगी बाहर शहर में तो कितने गलत ना चाल पड़े वहम है यो तारा देख कितनी बहुड़ी बात करी से मैं तेरे पे क्या ना शक करूंगा हर इसी बात हो तेरे मुंह पर कह दूंगा कि भैया बात से ये बात को ना मैं तो खाली नू कहूँ तो दुखी पाओगी दुख पाने खाते चक्कर में कहूँ कि छोरा छोटा है एक साल का छोरा यहाँ से छोरे की चिंता तो मन ने भी है और नू बताओ ये उसने रखने तो घर माँ भी से बाबू भी से सारे से और तड़के दो अन्य जुड़ जाएंगे ना खेत के चक्कर में बालक ने बढ़िया एजुकेशन ना दे सकते दो अन्य जुड़ेंगे बढ़िया स्कूल भेजेंगे बढ़िया परवरिश होगी यह बात तो ठीक है तो लवन्या का करवा था एडमिशन 1,00,000 रुपए ले लिए खेती में कितने लाओगे 6 महीने की फसल से या तो खान खान में चली जाओ 6 महीने में 10 मन दाने हुए से बाजरे की इन मर के पार पड़े हैं जब ये तो कहूँ मैं सोचनी तो पड़ेगी सोचांगे कर ले काम ये बांध ले ले बांध ले माँ आगे ने नुकेगी भाई मन भी डांट गए अरे खुद ना भी को नहीं करा काम सही ना माँ भी साथ के कैसे ये ईद गामड़ा हो जाता है एक जोड़ता है लागे सवेरे सवेरे का या तो सही नुकरा ट्रैक्टर बुला के ना गल की गल गाल ले चलांगे ना मैं तो तुमने पहले ही कहूँ थी तमे को मानने नहीं वो मोनियर कहे नुक है हम अपना आप गाल लांगे अपना आप ले जाओ 1,000 रुपया में सारी बोतला न्यू घेरे रखा है इसी टाइम क्या हो गया खाए के दर्द जो अरे चिचड़ा की दवाई थी उसमें बोतल में सीधी दर्द है उसने खाली पड़ी से चिचड़ा की दवाई थी गिर गा दी और ये बेल को उठा के दर्द सकते हैं ते भी कसुत्ती लुगाई से भाई सारा सौदा है ना अंधाए जागी ना पड़े आप आए जो कितने भी मैंने को थी हाँ बेलन तो छोड़िए तो सारा दिन न्यू लगी रहेंगी कदे उसको टेकर कदे उसको टेकर बोल 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 के कहती थे कौन के थी संदीप के बारे में सोच के मैं है? एक न तो तू पाते बिठा कर रख एक न तू छत्ती पर रख है थोड़ी ना होया कर छोरे तो दोनों एक से हैं एक बात बताऊं तने कह दी बोले एक न तू पाँ पर रख एक न छाती पर रख रमन तो दोनों बराबर से ये बड़ा नहीं माने तो मैं क्या कर लूँ बड़ला तो जोर लगा रखे बोले पढ़ाई कर कामयाब करूंगा खेती में बढ़ गया मेरा दोस्त इसमें एक तो काम करे करेगा मन ने को नहीं करया मैं कहने को तना काम ना करया फिर भी ये बड़ा के सोचेगा अगर मैं खेती में बैठ दिया और छोटे ना कती जमा पढ़ा लिखा कर फिर ना के बनाना चाहो है बालक तो न्यू कहे आए करे पर थोड़ी ही सोच इसके बारे में भी इसके भविष्य के बारे में भी सोच है और तू न्यू बता पढ़ाई लिखाई तो ठीक से उसका लफंडरपना कम होया से देख सैनी
अपना काम से पढ़ाना, कामयाब करना। होगा तो उसकी अच्छी बात, और ना होगा तो अच्छी बात। हमने तो सुन नहीं से, इसने क्या करता मैं पढ़ ले, यो को नहीं पढ़े के कर लू मैं, के कर लू तू बता दे। एक बात बताऊं, पढ़ा लिखा कर माँ बाप की जिम्मेवारी खत्म ना होती, बालक कौन सी राह पे चल रहा है, कौन सी पे ना चल रहा है, ये सब देखने का तेरा फर्ज है। लेकर घर में हो तो मैं समझा भी दू, ये बार बालक की तो उठा है बैठा है, वो तो तू ध्यान रखेगा ना। भाई इतने बड़े को नहीं हुए हैं, ये बालक बुद्धि है न, मैं बालक बुद्धि से श्याणी मैं सारी समझू तेरी, और तू जो कहना चाहो वही मानू मैं तेरी, पर मेरा हाथ में कौन सा सौदा को नहीं। मन ने तो कह रखी आप इन तो सारा सौदा दिया, छोड़ तू जाने तेरा काम जाने, पढ़ाने की जिम्मेवारी हो, पढ़ाने लाग रहा तेरा भाई, मेरे चाली इतने मन ने पढ़ाया भाई। छोड़ने की बात ना, जिम्मेवार छुटे हैं जिम्मेवार की गले तो चढ़िया मजाक भी ना छुटते उड़ भी के मैंने के न्यू रह जाए कसर रहेगी ठीक भाई। मैं तो न्यू कहूँ हूँ इज्जत रहेंगे इज्जत कमाओगे गम शोभा बनी रहेगी, ना तो माटी कुटती वार ना लगती। आजकल तू देखा हो डोर जवान बड़का ने के कर्म कांड करते हैं, और माँ बाप सारी उम्र बैठे रोआ है। मैं तो तेने यह बात समझाना चाहूँ हूँ, पढ़ाई की गेल्या ऊ भी समझाना जरूरी है बाप का। के बात है, अरे समझाऊं तो सोमो उसने ऊंच नीच की सारी बताने लग रहा, काम धंधे की सारी बताने लग रहा। ये बालक 24 घंटे अलग में लठवी को रखा करें, जिसा कहूं उसका मन से ए टाबर से बालक बुद्धि है, जिस दिन लग जाएगा नौकरी अपने आप दिमाग बदल जाएगा। दिमाग दुमक बदलने की तो मन उम्मीद लगती कौन है ठीक है, ये सब बिगड़ हो रहा है घर में तो पाँव उसका डरता है कौन है, या पढ़ाई भी बिरना क्यों कर कर का है ना कर काम तो वो उसकी आत्मा जाना है, बाकी मन थोड़े तलो तार ठीक से कौन है लग रही वो के है। बड़े ने के कह दू सारे दिन बेचारा खेत में पड़िया रहा है, उन्हें रोटी खाने का उस ना और क्या है का ना नाण का ना दौड़ का ना, ये उसके पास मैं क्यों कर लागू। देख श्याणी उससे कहूँ हूँ तेन कह दे बालक से, ए भगवान तय तो कौन माने, अरे जाम रखे तन वो मन न कौन द्वेष उसमें यार, तन द्वेष लाग गए हद गिर जाए या झाड़ू मारे ये और फावड़ा रोड दी इसका मैं। अच्छा मैं उसका जाए कहूँगा एक भाई न्याल लगा नहीं आ चले आ जा, हाँ ले का न्याल दिया कर, एक आधा काम करना पड़ जाए ना घेर में खड़े हो, मैं तुम बाट देखू थी अगर छोरी ने स्कूल में छोड़ के आऊगा घर ना, और कोई ऐसा नहीं था बैग ना चुप कर धरे बैठे आ जान, तो ये ड्यूटी पर जागा क्यों इतनी बखत उठा दिया, पर रात ने वो वारिया था मैं तो पढ़ के वारिया था तो पढ़ के ना जिस पैड़ी चल रहा ना भाई, मैंने सारी बात आगे रहा मैंने मत ना सिखाओ तू बेबी कैसी पैड़ी चल पड़या, ये पढ़ूं भी नहीं के इतना खर्चा लगान लग रहे घर के, तू पढ़ता को नहीं मत ना मेरा मुंह खुलवा हुआ है कि मैं ना धरा भाई इन बातों में, तेरे जिजा भी इन पैड़िया था गया ना देख ले और उन्हें पढ़िया तू चल रहा है घर बसाओ काम कर ले भाई कि मैं ना धरा इन बातों में, और तू के कब है मैं पढ़ने जा रहा था, मैंने बेरा तू किसा पढ़ने जावा है और 10 बज रहे हैं ये तो तू उठाना है बेबे, किसी बात कर लग रही है जवारी थी पढ़ूंगा तो 10 बजे उठूंगा, तुम तो अपने 10 बजे खा पी के सो जाओ हो, मैंने 3-3 बजे चार बजे पढ़ दे ठीक है। अरे बेबे तू मेरे पास शक कर लग रही है, मैं शक को ना कर दी जिस पैड़ी चल रहा है मैंने सारी बात बेरा है, अरे एक बात बता तू किसी कॉलेज में जावा है, कॉलेज में तो तेरा एडमिशन ही ना ले रखा। तो बेबे मैं केनु कहूं मैं कॉलेज में जा करू कोचिंग सेंटर में जाऊं सु, हां ई तू कोचिंग सेंटर में जान लाग गया हैं, पढ़ाई तू डॉक्टरी की करण लाग रहा है, तो डॉक्टरी का के कोचिंग कोनी होंदी, रहन दे भाई मत ना चरावा तू मत ना चरावा नु देख तू ई तोड़ बादम पंगे देन लाग रहा है हैं, अरे छोटी सी छोरी है इस पर क्या असर जा रहा है हैं, एक मेरे मामा के लड़ाई झगड़े में पा दे रहा है सारी समझा भाई, यहां एक बात बता बेबे मैं किसे सिंह मार दांडू जब मेरे तक वह भिड़ेगा तो उसका तो हर जाना उसने भुगतना पड़ेगा, मैं सीधा जाऊं सीधा हूं बता तो मेरे कौन तेरे तक के दुश्मनी है कौन भिड़ेगा हैं, गाने वो बदला भी तो है काम धंधा पकड़ रहा है अपना दाऊ काम करने लग रहा है, के काम करने लग रहा है घर तक खेत खेत तक घर उसने तो कौन मेरा है अड्डा दुकान किसकी से, खेत के काम को नहीं होता के काले हाड करने लग रहा है वो, तो बस तो गरीब है कमाई तो घर चल रहा भाई मना अन्ना ना कमांदा वो हड काली कर है ना, मन रात काली करा खे पट पट गए ठीक है, हां रात काली करा जमा सर पे आओ तो किसी की रात काली करा है तू छोड़ दे इनमें कि मैं आनी जाने को ना लास्ट बार समझाऊं हूं मैं ठीक है, इमनु देख ले मेरा घर उजड़ा बैठा है और मैं भी बैठी हूं अड़े तेरी चौखट पे, तो फिर के बात होगी बेबे मैं कहता नट्टू फक्तू उल्टी चली जा बढ़िया डाल रहा सुतरी डाल
तेरी छोरी ने पढ़ावांगे और बड़ी होगी ब्याहवा भी सुतरी डाल। हां ये गए ना तो खूबे पढ़ाओगे तुम तो नाम रोशन करवाओगे। तन्नू बताए सुबह सुबह के खा रखा तू मेरे सर ने क्यों आ गई सुतरी डाल सुत्ता था। काम धंधा की भी करदा नहीं तू। चालू हारजू के काम लाग रही है बस बैठ थोड़ी सफाई करो चूल्हा चालू करूंगी। अच्छा के बात है गैस पे कौन बनाते रोटी टुका? ए बनावा सा इनो सागला में तो सर्दी आ जाएगी और सर्दियां मुझे कौन करे गैस पे बनाने। अरे बे खर्चा भी बचेगा लाकड़ी तो आंधी खेत में तो तोड़ लिया करूंगी। वो तो बात ठीक से शालू तेरी पर बेबे जब नौकरी चाकरी कर लेती तू लाग जा सरकारी सरकारी छोड़ अगर प्राइवेट भी लाग जा तो इतना लोभ कौन करना पड़ा। और फिर जाड्या माच बाड़गी तो लाकड़ी गिली पाऊंगी गोसे सी ले पाऊंगे अरनू है तो इतना लोभ कौन करो तो गैस पे सड़ सड़ काम हो जाए की बात करी से मैंने तेरे देवर ते। अच्छा हाँ बोले बोले आलिया भरवा दूंगा कोई लिखड़ेंगे चबे तो तू मैंने बताती रही है। चल ठीक सब तो मैं तेने बता दूंगी जो कर फार्म लिखड़ा है नई वैकेंसी लिखड़ेंगी। हाँ। उसी हिसाब से बता दूंगी तेने सगरा तो ग्रुप कर अपन जॉइन हो रहा करती बेबी तू तो कहेगा बेरा ना लागदा। हाँ बाकी नु पढ़ाई छोड़ी ना बीच में ठीक से ना कदे काम का चक्कर में गैप दे दे। ना ना पढ़ाई में गैप दे के है बावली काम तो फिर कदे कर लियो अड़े रहना जिंदगी भर। या बात तो सही वो सुनीता ते लेना दवा भी किम कर के उसके भाई भी चौखे बेबे जो राख रहे ना आज के टाइम में रखा के करा तो कड़े भेजता इस घर की जाएगी से कड़ा मारा धक्का ये भगवान ने तो जो कर दी वा कर दी वाम तो उसे ना हो सकते ना मका आ जा भाई। चल ठीक से तू मैंने बता दिए है। हाँ मैं बता दूंगी ले मैं जाऊँ हूँ ठीक से वो नू कथी ताई बैंक में तरफ पिकड़वा के लिए आंधी तक मड़ा गम लग गया ना तो इन तरवा दूंगी सारी अणगम पड़े हैं लत्ते की मैद जा है। माँ हाँ भाई ठेकन लाग रही से के करूँ ठीक तो छोरी के लत्ते थे मकाल सूख जाएंगे वो इन लत्ते ने पाछे सुखा दे रपी दे मैं जाऊँ बेनी रपिए कल दिए थे संदीप रपिए बेटा रोज रोज के रूखा का लग गया रुपये। माँ काल आले रुपये काल हो लिए जब पढ़ाई करूँगा तो रुपये भी लागेंगे और घने और लागेंगे क्यों मेरी पढ़ाई ही इसी है। भाई इस घर में जितनी कमाई हो ना उसका नहीं सोच ले आज दे मत आधा ही साल घर रहता होगा बाकी सारा तेरे पर लग गया ठीक है। और ईब भी तू कहे ना अकोर भी लागेंगे तो बेटा एक बात बताऊ रुपया बहुत ला दिया तेरे बाबू नरमन ने कमा कमा के गोडे के सा लिए तेरी पढ़ाई बाबत है वो छोरा है वो खेता में पड़ा रहा है तेरी पढ़ाई बाबत है ये तू भी किम करके दिखा दे। माँ हर एक चीज का टाइम हो है ठीक है ये जो मैं पढ़ाई डॉक्टरी वाली कर रहा हूँ यह दम मैं छोड़ के मैं कितने काम धंधा करूँ इतना रुपया फिर वो नू ही लगाया है। मैं नू ना कहती था ना तू पढ़ाई ना दम छोड़ काम धंधा ना कर काम धंधा कर ठीक मैं सिर्फ नू कहूँ भाई तनु देखना चाहिए घर में इतने रुपये लग गए हैं तो वह हिसाब शरे लाने की कोशिश करे मेरा बेटा क्या बात होगी पढ़ाई में लग गए हैं तो लागण दे हर ते माँ यो जागा अतः हमेशा कड़े करे इसका जानना है इतना बोला ना रहे इतना बोला ना रहे ना जमाना आजकल बोले जिब्बत को हूं ना उड़ जाके पढ़ाई में ध्यान रहंदा फिर यो घर का कलेश याद रह से कलेश करे हर एक माँ अपने बालक ने समझा दे उसने तो कलेश का है के कदे तो बेबे समझा दी पाओ कदे भाभी समझा दी पाओ कदे थम समझाण लाग जा कदे बाबू समझाण लाग जा है घना चाला कर दिया इतना कोई समझाण वाली इतना नानती है ना इतना मारी जिम्मेवारी से इतना मत समझाओ। माँ समझाण वाली की कोई जरूरत कोनी इतना मैं बढ़िया डाल अपने पैरा पर नहीं खड़ा हो जाऊं मेरे घर की स्थिति ने नहीं सुधार लूं इतना के फायदा है ब्याह कराने का थ्यास कर लो ब्याह पूछ गया अरे हमने कि मैं सोच रहा कि था ब्याह पूछ के खड़े हो रहे हैं भाई मैंने करना है कोनी माँ पूछ रही है ब्याह तो बनना चाहिए बनो मैं समझाने की बात कहूँ अब सम मासन समझाओ तो समझ ले बात खत्म ठीक से भाई इतने के चाहिए नू तबला तो भाई मन रे पी चाहिए है ठीक से बहनी जासू मैं हलवारी मेरे पी ले जा ते ला भी नू ना ले जाने मैं दूंगी तो मातर पे मांगण आया था मैं तन ने भी ना दिए यो बता दे सना जे भाई कोने करे से नू ले जा ओ जूते लेके आता तेरे खातर अरे अरे
लिया है भाई। हाँ, एर वाले को नहीं, एर हाँ एर मन्ना को नहीं मेरा भाई, उसमें तो एर ही हार ही गया नाम तो। ठीक मेरे तो बावड़े बेटा रहे माना ना बता दी भाई उसके रेट ना, तो पैरने भी ना देगी। कोई बात नहीं रपी तला क्या करे चीज पे लगा मैं ठीक सता है तू देगी तड़कर रपी में लेट होने लाग रिया सू। जितने लिया इन फोटो खींच के दिया था मेरे मोबाइल में, बोले वो एर एर क्या क्या के बनाने उसके जूते 14,200 के आए हैं। उठे पूरे मैं तो एक जी मारी पहले सुन ले के सोच ली थी विदेश भेज दिया पढ़ने खातर, वाली बात ना करे विदेश भेज दिया घर में तो किराए के तरफ ये को ना बन पानते विदेश भेज दिया। अरे तेरे दिमाग किस जा रहा है, तू अपने ती कभी सोचेगा कौन सोचे तेरे बालक को नहीं होंगे कि कल ना बालक होंगे, ये एक से छोटा है वो एक साल का छोरा से होंगे जो आगे आगे बात अलग से तो उससे भी तो चाहिएगा बेटा उससे ही सब कम चाहिएगा तड़का उसने 14,000 के जूते पराए फिर तू अपने ती कद जिया। किसी बड़ी बात करना जी मेरा भाई पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा ना सारे कामयाब जमा। एक बार बताऊं थी तेरा भी ऑफिस नेरा पाओगा हॉस्पिटल में, मेरा भी नेरा पाओगा। रहन दे हमने कितने ना मन तो घरा जगह मिल जाएगी ना दो खाट की, वो है बहुत बड़ी बात मानू बेटा। देख ठीक से तेरा छोटा भाई से ये बात तेरी बाण से बाण में भाई तेरी में व्यवस्था पड़ रही है जहाँ पड़ी है बेचारी। और भाई अपने हिसाब ते मुट्ठी बीच कर ना दो पैसे जोड़ लेगा कल ना तेरे बड़का की आगत हो जाएगी दीपक। एक बात बताऊं संदीप इतने इतने देता रहेगा ना, इतने संदीप अच्छा है जिस दिन वो बदल गया ना उस दिन सारे का जागा तू। तेरा बेटा था वो मेरा भाई से अपने विश्वास था उस पर ठीक से तेरा बिना विश्वास को उठ जाता अच्छा ठीक से बावली हुई रही काम ने। चल खा ले रोटी और टेम तो रोटी खा लिया करे बाबू तो बैठक में पड़ा रहा सारी आना ठीक से बाबू दौड़ के करा पहले रोटी खा के जा बाबू बाबू ओ बाबू भी एक पैर तई फालतू की बात करी जागा। नो कही थी छोरा ने अरे इसमें कोई फूल का पौधा ले आके बो दिए और क्या नहीं ओड़ंगा जामन लाए गए इसके बाबू बेटा क्या गला गिरो हो। अरे क्या कह के एक तो देखो गुवार पठा जाम के यो काट के बोना पड़ेगा इसका मैं पछा बो दियो। हाँ। बैठो और ना जाओ। के बात की है चिंता मोरे चिंता मत करो बाबू हैं और रामदेव को नहीं के। हाँ। वो अपना भाई ने विदेश भेज जाए पढ़ने खातर उससे के लिए पढ़ा कर मैं सोचू था इसी MBBS की जो पढ़ाई से उठा तो करवा दिया। विदेश तो न कह दिया बेटा उनका तो ब्योच है और वो तो भेज देंगे आप पढ़ने विदेश कोई दिल्ली जाए के उल्टा को नहीं आना और रपी तन मेरा कितने लाग गएंगे वो आगड़ा है को रपिया गिनती को नहीं आप ही ने और तू विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है बेटा खुद अपना बारे में सोच ले और जो करे है ना आड़े पढ़ा पढ़ू दे और विदेश बाबू हाड़े उसने पढ़ना था उतना पढ़ लिया वो फिर तो ने मैं सोच समझ के ये फैसला लिया मैंने कि उन्हें विदेश भेज दूँ। बेटा क्यों रट लगा रहा है विदेश की तू कि मैं करना होगा ताड़ कर लेगा बेटा विदेश में जाना क्यों उसे बता दे और के पट की नहीं करेगा वो सारा गाँव में तू लाने लेना लग रहा है तेरी माँ मेरा खून खाए जा बोला तू एक ना तो छाती का लगाए रखा है और एक ना लाठ पर रखा है के मतलब हुआ बाबू छाती खिमे को नहीं दो छोरे हैं दोनों बराबर से बाबू वो लग गया ना तो आप ही तो लग गए सारा रुपया घर ना होगा हर पाँच सौ जिंदगी सवर जाएगी मेला छोरा है पाँच सौ आप चाचा भतीजा वो दोनों सेट हो जाएंगे आराम से कौन दिक्कत आओगी बेटा दिक्कत है दिक्कत है तू सारी बार है ना उसके बारे में ना सोचे दोनों बराबर के वो बराबर का करके उसने ब्याह थे कि एक ना कर तड़का कमाने की लत लाग गो उसके वो काम का टोला थी मरवाओ को सारा दिन खेत में गला तू माटी की गला माटी आ रहे बाबू वो मेरा काम से मैंने माटी की गला माटी रहना होना है हम माटी तो सोना बनाना उससे तो बनागा उसने कि मैं वो लगावा गया थी हर माटी तो सोना ना बना उसका खेत है खेत मैं खेत में होकर रह जावांगे माटी बन के रह जावा देख लियो और तुम मेरी बात मान लो बाबू 60 लाख रुपये लागेंगे मैं बात कर उससे सारी 60 लाख हाँ हर नू लिया 60 लाख मैंने उठे बेच देंगे भाई तने दिक्कत को नहीं आती कोई अरे तो रुपया होगा कट 60 लाख बेटा बाबू वो भी बात करी थी मैंने लाला सरपंच को लेके हाँ वो ने बोलिया भाई थोड़ा जो किला है उसने बिकवा दूंगा इस पर 1 लाख का समथिंग बिक जाएगा 5-1 लाख ठा लेंगे किसी पर ब्याज ने बेटा नौका आग्रह देख मान्य कर मेरी बात उसको आप विश्वास कराएंगे ना तो वो भी अपना विश्वास करेगा क्यों उसका तरफ ही नहीं कुछ कराया को नहीं है लत्ते कपड़े लेके दे दें और के मैं लेके दे दें उस तक कोई पढ़ना को नहीं होता बाबू
पढ़ाई तो है ना विदेश जाके होगी, बढ़िया पढ़ाई उठे हुआ है अपने उरे को नहीं होती पढ़ाई। भाई तेरी बात सो की सो है, आज वो किला से ना उसमें जाके खड़ा उसका है और बेच से पाचन बेटा चोर हो जाएगा बड़न का भी। बाबू कोई बात को नहीं, हाथ दन बोले किसी किले है ठेकन ले लेंगे और चौथन बोलेंगे किले तो करांगे। पर बाबू नू को नहीं मैं भाई खरा माटी ना होने दू, वो लाग गया ना तो मैं लाग गया। पक्की सोच रखी तन बेटा? बाबू मैंने पक्की सोच रखी है, बस तू तेने तेरा मन बना ले चल के गुठा टेक के ना अपना किला भी दे देंगे। अगर तने सोच रखी भाई के बारे में इतनी, मैं तो नहीं सोचू हूँ वो भी तेरे बारे में इतना सोचा ना तो बढ़िया है। पर हमने तो एक चीज देखी बेटा, जो विदेश में गया है ना वो विदेश का हो की रह गया, घर आने कदे वाय कौन कदर को नहीं करी उन्हें। बाबू किसी बात करे अपने संस्कार इतने ढिले को ना कि उसने बदल देंगे, वो को नहीं बदला ठीक से। हर तुम एक जा सरपंच का नहीं वो के कह है के ना कहे रह ले आइयो तुम उसकी रह लेनी बगैर तुमने बात कर रखी है तो बचाले गुठा टेके आवांगे लेना देना बेटा। अगर तेरा मन से भेजन में तो भेज दे भाई, मैं क्यों नाटो नू का। अगर तेरा भाई तेरा मन भरे तेरे भाई पे तो भेज, हम तो या चाह दोनों भाई रण मिल के रहो, मारी तो थोड़ी रह रही है भाई गणी जाली के बेरा कद टाइम दी सी को जाऊं। मैं बात कर लूंगा दो तीन दिन में, इसका फैसला उसका बता दूंगा मैं। उससे ही पूछ लिए उसकी सलाह लेनी भी जरूरी है। लड़का तू किला बेच के खड़ा हो जा हर पी लिया के दर्द आ रहा है और पाछ उल्टे कौन दिए जाएंगे बेटा, मरण हो जाए आदमी का। पहला उसने पक्का कर तू जाने की हाँ भरे जाए ना ठीक से। हाँ बात उसका और मैं जाया हूँ एक बार ठीक से ना जाया सरपंच का नहीं बस। हाँ छोर ने कसुती सोच अपनी पूरी जिंदगी खेती का मैं गाड़ दी, सारी भाई के बारे में सोचने लग रहा है भाई मेरा कामयाब हो जाए भाई मेरा कामयाब हो जाए। और बेटा दुनिया ने देखा है ना तो नू समझ माओ है कि भाई का इतना सारा लड़ा ठीक होनी, क्योंकि जितना सोचेगा ना उतना ही बिगड़ेगा। चल ले जाया सरपंच का नहीं गुठा टेकना है टेकना घर में इतने बढ़िया प्रोग्राम बन जाए हर मन वीरा नहीं पट रहा के बीमारी है। माँ वेरा पटना नु बता या के कोई ढोल बजा के बताने वाली बात है, सब ने वेरा लागे रहा घर में तो हर बार बतानी जरूरी को नहीं किला बेचा तो मजबूरी में बेचा काम है जो बेचना दाग रहे हैं। किला बेचना कोई छोरी थोड़ी ना ब्याणी है के जरूरत है इतने रुपया की। और तू एक बात बता अरे जिन धरती बेच दी उसने अपनी माँ बेच दी, बड़े शैने गलत को नहीं कहते बेटी या बात। माँ जो धारणा तू बता रही है ना वो पुराना टाइम था उसके हिसाब से जिंदगी ना चल दी, कितनी महंगाई से और अच्छी जिंदगी जीने खातर मोटा रुपया चाहिए सेब आई बात समझ। फिर सब कहने बेच दोगी? बेचा क्योंकि इवनू बता देवर विदेश जाओगा उड़ा नौकरी करेगा बढ़िया कमाओगा तो जान का तर रुपया तो लगेगा, दूसरा राज्य में जाना देश में जा है। बेबे मेरे के बात है ना जमाई विश्वास कौन रहा मेरे पर जो उनने फैसला लिया है ना मां मौल पर खरा उतरूंगा ठीक। अरे मने बेरा है कि साला तत यो घर चल रहा है और किन मजबूरियां में हो तुम, मैं यह बात भी नहीं समझ सकता कि पर मां पर यह मने डिग्री लेनी बहुत जरूरी है या डिग्री ले ली थनू समझ ले वारे न्यारे हो जाएंगे और इबे मैं कितने लाग गया तो उस चीज़ का कोई फायदा को नहीं। माँ अरे माँ तू टेंशन ना ले ठीक, तेरे एक एक इन शब्द का हिसाब होगा जो तू मेरे तक कब है बेटा। 60 लाख में भी जब तू खरिया नहीं उतरेगा ना फिर खरिया उतरता भी नहीं है। मैं तेने को हूँ यो तेरा राम भर का भाई थे रहा है ना माँ बाप के राज में ना तू पढ़ है बाहर की डिग्री पढ़ का होगा ना अरे मुंह मांगी नौकरी मिलेगी और जितनी तनख्वाह बचागा उतनी दुगने करके देगा। माँ बाहर तो पढ़ क्या हुआ ना अरे 10-10 लाख रुपये तो साल के भी मिल सके हैं। माँ किसी बात करने लग रही तू सारा कर्जा दो दूंगा तारा। अरे मैं कहने लग रहा माँ एक बार मेरे पे विश्वास करके देख। अरे भरोसा बनाए है भरोसा तेरे पर बनाए है पर कर्मा बता को ना कर्मा का के बेरा पट्टा है दुनिया करोड़ करोड़ रुपये ला के ना भी घर बैठ गया है। अरे भाई मारे खातर तो 60 लाख रुपये है ना न्यू सोच ले अकती जमा बोत से भी बोत गणी है। तू इसे बुरा क्यों सोचता अच्छा सोच कर चलना चाहिए। माँ जी भी ये सारे समझन लग रहे तू भी अपने एक बार दिल पर पत्थर धर के देख ले है। दिल पर पत्थर धर के विदेश जागा ना उड़े किसी ने जानता ना पहचानता ना खाना ना पीना मन उड़े रिश्तेदारी कौन काटनी मन पढ़ना है मनोड़े डिग्री हासिल करनी है मैं किसे तो मतलब क्यों रखूं। अर उड़ा है ना केवल पढ़नी है जा करें कोई किसे तो बोलिया ना करे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो हर डिग्री लो ठीक सब भाई।
सुतरी डाल भेजेगी ना फिर आशीर्वाद मेरे गली रहेगा तो मैं बढ़िया। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा गल्ला रहा है। हर बालक चाहे निर्भाग लिखड़ा और चाहे भागवान लिखड़ा, माँ कदे गलत को नहीं बोला अपने बालक ने। अच्छा ठीक से ठीक से माँ कर ले तैयारी, फिर बोल जा रहे हैं रुपया इकट्ठा करते हैं अंडन लाग रही राजी हो जाए आज का विदा करिए। पर 60 लाख रुपये बहुत घनी रकम है भाभी। तू नाई ना ही बैठ कड़े नाई हूँ, 70 काम से साग रोटी बनाई से देवर की तैयारी करी है, बैग बैग उसके साथ चाय कपड़े कपड़े बैग मर खान पीन का कर लिया कि मैं। टाइम देखिए 11 बज रहे हैं और पानी पीने भी कसूता जी करने लगा, मैं तो 30 लाग रही है कहानी सुन लेने दे। जी जी ना रही हूँ मैं भी सुन लूंगी कहानी। एक बार एक काम करो नो है कि उसके सामने फ्लाइट से उसका टेम हो जाएगा। हर माँ मोहो मैं तो चित्त ही लकड़ गई, माँ भी तो भरती से आज माती भी तो कहनी है और पाछा देवर जी चले जाएंगे। आज आज रोक ले तो ठीक था। चल ठीक से माँ तो मैं कह दूंगी क्योंकि आप तीनों जनी हाँ कहानी सुनने तो। अच्छा तो हमने भी कराया के वर्त। हाँ वर्त तो कराया है मैंने भी। चल सही से के काम मन बता दे मैं कर लूंगी काम। ना वो तो की मैं को नहीं, मैं तो ना रही हूँ, मैं कपड़े कपड़े चेंज करने हैं मैंने तो। तू माँ ने कह दे और माँ ने तैयार कर ठीक। बस यार एक पब की और लागेगी इसका पबड़ी लागे मैं संभाल लूंगी भाभी। नुआ संदीप खतर कुछ और सामान लाना तो गा। अच्छा लो तो संभाल जाओगे इसी याद उस करो वह ये तो बनी गई होगी। आप करवा लेंगे उनका काम से बेटा। मुकेश तक ही जगह तू गाड़ी लेके चल पड़े वो गाड़ी का नाटक ठीक रहा भाई रे। देख रुपये घने हैं हां और कति देख के ले जाइए मेरे बेटे। मां इनकी सेटलमेंट तो एयरपोर्ट पे हो जाएगी ठीक है, एयरपोर्ट नहीं हवाई अड्डा पे। रे इतना तो ज्ञान से तेरी मान है अके एयरपोर्ट और हवाई अड्डा एक हो या करे। ते मां ठीक से ध्यान तो भाई मेरी बात सुन रहे हो पीछे काम और गाड़ी करके ले जाइए और दिल्ली बैठा है कि जी दही जहाज मिशन इससे पहले नहीं है बाबू। हां दिया ना भाई फिर दुखी होगा के दुखी होता मार तो बस हम चला जाऊंगा बस मैंने तो बाईपास ही छोड़ आऊंगा बैग ना भूल बस रुपया का मामला से बाबू इतना तेरे बेटे ने ज्ञान है ठीक है। आजकल बसा में पुलिस वाला गेली रहे 24 घंटे और कैमरे भी लगे रहे तो आजकल डर की कोई बात को नहीं होती। उन बातन छोड़ रुपया आने जाने चीज से तो ठीक पूछ ही उठे और जानदी साधन है फोन करके बता दिया हमने। दूसरी बात बेटा देख मेरे भाई ने सारा रुपया तेरे ऊपर लगा दिया है, इसका नाम ऊंचा होना चाहिए लजाना दिए तेरे तेरा बाप की पगड़ी प्रोग्राम हो गई हंडे। बाबू किसी बात का ना ही रहा यो राम बरगा मेरा भाई हर बाप तो भी ऊंचा दर्जा इसका और इसका नाम तो रोशन नहीं करके आऊंगा मैं ठीक से डरो मन नहीं था। रे भाई मैं तेरे को हूं सुथरी तरिया पहुंच कर और फोन कर दिए और उड़े है ना को लड़ाई झगड़े का काम ना करिए। मेरा तो ये सब बात का डर है तन कोई के मैं बोलेगा और तू उड़े कर देगा। अरे संदीप आज जाना जरूरी है भाई आज तो तेरे नाम की बरती है माँ आज आज तो कम से कम रुक जाता। जी जी किसी बात करने लग रहे हो एक तो टिकट भी बुक हो ली और पहले ध्यान कौन रहा हमारा ना एक दो दिन आगे पीछे कर देते हर तरह दम बेरा है इतनी सस्ती टिकट ना बुक होती है आज कैंसिल करके तड़का फेर कर देंगे। हमेशा करेगी और अपने बड़का की लंबी उम्र की हमेशा दुआ करेगी ठीक है। लक्ष्मण बनिए क्योंकि लक्ष्मण ने कदे भाई की आज्ञा कौन टाली बाबू बस करो क्यों ज्ञान भरो बेचारे वो पहले नर्वस हो रहा है। हाँ ज्ञान की बात तो यो कदे सुना है कोनी फोन जरूर कर दिए भाई पहुंच के बाय कर दे बेटा मामा चिंता ना करिए माँ तू बाबू दी छोटा हूँ तुम भी ये देखिए फोन की माँ बैठे ना इफ्तार हो ले जाए बस नूना कराया करते देखिए छोड़ा करते भी ना दिखड़ा है एक तो माड़ा मन करने लगी इन बातें छोड़ दे पानी सुना दे हमने भी बरती हां सब सोच है पूरे शुरू दिन तक कह रहा मैं तना नु गिले सिख भी कराई कदे बार ना लकड़े है ना
लगनेंगे जब सीखेंगे कमाओगे घरा की है माँ बड़ा बेटा देख लिया तेरा की मिला करा फुट फुट का हंडा से और माँ दूसरी बात यह है अड़क बिगड़ेगा कम से कम पूरा बाहर देश में जाके सुधर के तो आओगा मानस मन के आ जाएगा वो पैसे ले रहा तो गाड़ी और डाल किन्ने पाट दे ले जाके अड़क फर्क से विश्वास करके भेजा तेने माँ बाबू का नाम करना है बर्बाद ना करना ठीक है ठीक से वो थोड़ा कट मिलेगा तेरे ज्यादा हो भाई वो तो धर मिलेगा हाँ ठीक से था मैं उड़ जाए पाचे है ना फोन कॉल मिले व्हाट्सएप कॉल होगी ठीक है कोई बात नहीं तुमने बता दी किसका फोन करके ना हाँ चलवा भी कर दी फोन ठीक है ठीक है भाई ठीक है भाई है ठीक आराम जाऊँगी हाँ यार भी देखने में जाके ना रुक वाले तंबू ठीक से भाई को पाई ना माँ भी 70 चीज बता दे है फिर आने की दर्द है फिर सुनीता राम राम सके हां राम राम हाय कड़े जा इतने सिंगर विंगर के भाभी कित सिंगर री हूं सुट्टे तो पैर री हूं हर बरती हूं आज तो मैं आज क्या का बरती है वो कमोई का बरत रहा आज ले तू भी बावली रहेगी बेटा का बरत है तेरे तो भगवान ने लिंगरी दे रखी है तू बरत करके के करेगी भाभी किसी बात करने लग रही है छोरी के छोरा तो कम है हर मेरे खातिर तो छोरा या छोरी मेरे खातर सब कुछ यो है मेरे तो कुछ ना है बावली ये तो मन के वहम है कि छोरी छोरा का बराबर हो छोरी कदे वंश बेल कौन चलावे वंश बेल छोरा ते चलया करे और फिर इब तू नु बता देना उसका नाम के बर्थ करके के फायदा ढूंढ उसने दूसरे का जाके बसाना ना तो उसने नौकरी करनी ना चाकरी करनी वो तो क्यों भूखी मर के अगर रामी सा सुननिया होता तो एक लिंग रहने दे यार भाभी यह बात मत ना भूल तू तू भी खुद एक छोरी है और तू भी किसी का घर बसा रही है और देख मेरे खातर मेरी छोरी है ना छोरा बराबर है और वो क्या करे कि वो बर्त तो औलाद खातर करया जा है तो सब कुछ मेरा ही हो मेरा जीवन का सारा भाभी जब लिखे हर जगह या बात रही है कि बेटा का बर्त है तो तू बेटी और बेटा की तुलना को कर कर सका तो मैं को ना मानती ना भाभी मैं को ना मानती हूं आवा है तू बात इसी करा भगवान जो कर दी सो कर दी इब इस माई पर होने ते के फायदा नु बता इब मान ले इस बात ना साची के टिंगरी है तो टिंगरी है अरे बात मेरी के मैं घर बसा रही दूसरे का है तो बसा रही हूं पीरिया की थोड़ी ना वंश बेल चल रही उनकी तो उनके बेटा चल लगी खैर छोड़ क्यों छो माओ गर्मी गणी है चल भीतर चल कहानी सुननी आ जा तू सही है भाभी तन्ने के बिरा कि मैं किस दुख में पड़ी हूं अरे मेरी छोरी तो आज के बाद में कुछ कहने की जरूरत ना है मेरी छोरी छोरा तो कम को ना क्योंकि मेरा जीवन का सहारा है इसका सहारा मैं दो रोटी खा सकू हूँ हर बट तो करूंगी के बात सुनीता नवाई कौन छोरी फैन में आती देवर जावा थे ना उनकी तैयारी है मेला गए के संदीप और गए छोड़न जा रही ये कहानी गंते ना बोलिया ना करे ना भी राव तो कहे का हम के माथे से की चुगली करा कड़ा रोडा ना काटी माटी का अच्छा कोना हां फिर मुंह माथा सा हो जाए मां की आंगली ओडड़ है सीधा टिक्का काट दे छोटी छोटी कड़े ले आऊं मैं पादर अगर पिक लो आई स्त्री छोरी थी और के हम बेचा दे उस पर बैठ जाए या जगा रही उरन है उड़ बैठ जा बिटिया आराम आजा बण जी कोई बात ना भाभी बैठी रहेगी कहानी सुनाएगी अभी तो उड़ नहीं सुनाएगी की आवाज कौन पहुंचा बैठ जा आराम तो बैठ जा गलती पलती मार कर जा बैठ जा बेटी बोला ओई अष्टमी माता की जय एक बुढ़िया थी बेबे उसके साथ बहू थी और एक उनका छोरी थी तो एक दिन दिवाली की सफाई करने ताई और सासू बोली वो वहाँ तो जाओ बेबे माटी खोद ले आओ
लिपाई पुताई पहला थी जी पक्के घर कड़ा होया करते कच्चे होया करते लिपिया पूर्ति कराया करते दिवाली तो पहले हाँ तो इसमें गेर ले बैठी दो दो दाने मुखारे बना जब दो दाने गेर दे हाँ तो चल चल पड़ी बनन बोली मैं भी जाएंगी भाभी यार की गेलिया तो चली गई माँ ने बतेरी नाटी ना बेटी रहने दे क्यों दुखी हो गए लाडू कोडो थी एक बेटी थी थोड़ा तो आया भगवान बस इसने कामयाब कर दी जिंदगी में देता है और किमें कौन सा नाम है यो कामयाब हो गया तो मैं कामयाब हो गया आगे पूरी जिंदगी सुधर जाएगी यो नौकरी लग गया तो नौकरी के खुद का अस्पताल ही हो जाएगा मौज हो जाएगी इसके क्या हो गया टाइट क्यों इसका हैंडल है इतना क्यों है इसका कटता गया चल पड़ी तो उड़ जाकर माटी खोदन लग गई माटी खोदते खोदते और वह एक भाभी छोटी थी ना वह नुबली को सारी माटी माँ खोद लूंगी तुम सारी बैठ जाओ माँ पानी कह लेने पहले पानी कोई बात ना माँ पानी कह लेना पी लेना पानी क्यों क्या था माँ ठीक से माँ मेरे तो पीछे निश्चित होगी एकदम तर्जी का भरना लगा सबेर की काम लाग रही हूँ ना जाता जाता नहीं कि मैं काम ना करती मत कुछ खाया भी तो ना है जब माता और कहानी सुना दे और थाले तो भीतर चावल गिर दिए तुम सोन सामान जेल कट गया क्यों क्या फिर भी बेवा बहु गौ माता की सेवा करने लग गई गौ माता की सेवा करते करते हर गौ माता ने उसकी एक करने लगी बेबे मांग तने इतने दिन मेरी सेवा करी है बोली गौ माता मेरा बालक ना होते मेरे ते आशीर्वाद दे मेरा बालक हो जा बोले बेबे तने फिर तो से माता की जी चित्र बना के ना उसकी बात माँ उसका अरग दे दिया हूँ वे लीलक बकानी उसके रह रही क्या होया ओ बताई अब तो सारे उल्टे काम आने लग रहे मेरे उल्टा कौन है उनका माँ छोटी-छोटी बात अंदर पे लिया छोटी-छोटी बात को ना क्यों जरूर क्यों क्यों कहानी हो रही है क्यों मैं ना हरिवा संदीप के अंतर मन घबरा रहा से और फिर आसंग को ना हम सब सुन रहे थे रे तुम दे और लोटा भर के तुम दे लो यो बियर के दिया गया कोई बात कौन थोड़ा उरन हो गया बस क्यों मना तू उठा ले यार लोटा मन में के बेटा मैं चल पड़ी उठा के बड़का का भर तू हां आज चा पियो बैठ जा ध्यान रखा करो दे अरे ले मैं तो चालू बस चा बना दे चा पी जी तेरी तरह भाई बांट दे पीलो लो के दिखाई चल ले मामा चा बना ले सुन सके शहर बच गए बर्बाद हो गए सब अब क्यों बात होगी क्यों हो गया पापा बोलो ना क्या बात होगी पर मत पहले मरी पड़ी हो नहीं रहे यार पापू क्या क्या कहा पापू क्या क्या कहा पापू क्या क्यों हो दीपक भाई उसका एक्सीडेंट हो गया गलत कौन है सोचता सारे काम तड़के के उल्टी होने लग रहे यार मेरा जी पकड़ा पहला एक था मेरा छोरा संभल के चल लेकर पर कोनी मान ले किसी की भी पर उन्होंने कौन टाल सके अरे मेरे बेटा रे तेरा नाम हाँ भाई उसकी गलती को निकल तो मारी जाए
अरे कर्म तो मारे फूट गए, एक छोरा हाथ में लेट जो कहता है जो कर दिया कर दे कर दे मत रे नाव का भरती रे दीपक अगर तू छोड़ के चला गया जाए तो पानी पियाया था कि मेरे ताई के मेरी मां ने पछे पानी भी ना मिल लगा बचे आज ने ले लिटा रे तुम्हारा अपना अपने अरे टाइम मारा रे दसाने को अपने ठाले रे अब मर जावा रे अरे बाप इसकी कंदर भाई नू तो बता रखी था मिट्टी अस्पताल में ले जा रखी अरे पाड़े तोड़े गए रे मेरे में की करा शायद सुना है कित खुल गया हो गया छोरा कित खुल धीमा तेरे एक लिए किधर से तो मेरे भी होगा अरे बेटा था मेरा वो जड़ कहना ने बोलने ते पहले आगे तैयार पा रहे बाबू यो काम का होगा पर किसी ने बताया तुझे नहीं मेरे को नहीं मेरा था कि इस वक्त में मेरा बेटा छोड़ के चला जाएगा मेरा अरे मन तीन सारा मिला था उसका ये क्या गला घूमे वो एक रणिया था अच्छे आदमी आके भगवान ने भी जरूरत होगा मुझे पता था मारे दौरे तो बुला लिया उल्टा संदीप पहुंचे भी ना होगा इब फोन कर बुला लेना उसने उसने बुला एक बात बताऊं आपका सपना था यो कि संदीप जाने पढ़ लिख कर बढ़िया डॉक्टर बन के आवारे और मारा नाम रोशन करे अगर आज आप ये उसने बुला लेंगे ने तो रब ये भी खत्म जाएंगे हर छोरे का भविष्य भी हर जो मेरे बेटे ने सपना देख रखे थे ना शायरी वो टूट जाएगा देख हाँ जो ये पत्थर अपने ऊपर पड़ा है सहन तो आप ही नहीं करना पड़ेगा बर्दाश्त आप ही नहीं करना पड़ेगा संदीप ने अपने बुलंद है ना बताऊ उसे ना तो ने दुनिया उजड़ जाएगी सारी कि मैं काम नहीं कर सकेंगे आप कुछ भी हर छोरे के आत्मा ले भटकेगी शायरी मेरे बेटे मकीम में भी है वो कौन है तो बहु भाई जी मुंडी तेरी अड्डे डांड लाग रही है मैं क्या गला हूँ उसने देख समझाने तो न पड़ेंगे शायद समझाने के काम से मैं किधर ना मैं खुद समझ गई मैं क्या समझाऊँ बता मैं खुद समझ रही हूँ कि मेरा बेटा गया तो धनी भी उसका गया जिसने सारी जिंदगी उसकी गला रहना था के जोर से तो के जोर है बता बात है किसी ने किधर ने भी देख लेगी अब तेरे एक और है पर वो आके देख लेगी उसका तो एक कहता एक बात बताओ जो बनकी ने उसने भूल लड़की कोशिश करी और थोड़ा है ना एक मर्द बन के काम करना पड़ेगा नहीं तो दोनों है ना कहीं भी कौन डटेंगे शायद मेरे तो किम्मे ना बना जावा मुने मेरा बेटा जी है बस मुने किम्मे को अरे कितने ले आदमी बेटा कितने ले आदमी हो बता तू अरे मन्ने के कौन चाहिए के मन्ने हर डंग टेकूंगा ना हर जगह याद आओगा मन्ने हर डंग पे इसे क्या तगाजा था उसने चाड़े तगाजा उसने कौन था तगाजा भगवान ने था भगवान ने जरूरत थी उसकी भाई उसने आड़े बुला लिया वो किम्मे करेगा ना अच्छे आदमी अच्छे काम करेगा जिद बुला लिया उसने आप ही कौन दिखे अरे यून माँ बाप का सारा भी था इस तो बढ़िया तो दिन था ना कम से कम नो तो जाए मेरे एक ये जवान पड़ा पड़ा है बेटा भाभी तू पागल हो गई क्या हाँ संभाल अपना अपना ये देख तू ही नू करेगी तो माँ का कौन है कर मैं किसका सारा बड़ू जब मेरा ही जो सारा था वो एक ही तेजाबा दड़ा में रुक गया उसने ना सोची एक एक ने ब्याह कर ला रहा है तो जिंदगी बरसात देने का नाम लेकर क्यों कर छोड़ के जा सके लू मेरा खुद का कि मैं सारा ना रहा तो मैं दूसरे का के सारा बढ़ूंगी जो भी कुछ होया है मेरी गलती है अब आंगन बैठी हूँ इसी तरह खातिर मैं जित भी जाऊँ ना बाबी नुकसान नहीं होगा तेरी कोई गलती को नहीं जीजी
सारी गलती मेरी किस्मत की है। ना इतनी आने से उम्र में भगवान नु सुहाग ना लेवे किसे का। कुछ न कुछ अनहोनी हुआ है। मेरा एक भाई है वो विदेश गया और दूसरा राम न प्यारा हो गया। कितने सपने थे बड़का ने नू पढ़ावांगे नू कमावांगे सारे मट्टे मिला गए एकदम छोड़ गए तेरे घर ते मार कमाना जान दू मैं ये मेनू वीरान कुकर कर सके वो इनू कुकर मुंह फेर सके मनोड़ ते भी ले गया कि चल बेबी तेरा आड़ा कौन है अपने बेबे ने मैं रखूंगा मैं संभाल करूंगा तेरी जोरी ना मैं पढ़ाऊंगा मैं लिखाऊंगा हमने दोनों माँ बेटियां ना छोड़ गया एक बार भी ना सोची उसने एक तेरा परिवार का की होगा तेरे बिना कुछ ना भाई नो गया करता कुछ दिन पहले बात करा जो मैं कितने कौन जाऊं बावली तेरे तो पहले ना मरूं क्यों भूखी मरिया करे करवा चौथ का व्रत कर देख मरत करते कुरान दे छोड़ गया वो तो कोड़ी माती मारा माँ बेटे अनाथ कर गया संभालना पड़ेगा वो घर परिवार और जुड़ने वाली तेरे सर पर ही माँ बाबू का की याद देखी बुढ़ापे मुंह का कौन है तेरे सिवा कोई कौन है छोड़ का तो बेटा है जीजी पर तो नू देख मेरा याने से छोड़ गया उसने बनू भी कौन मेरा की मौत की हो के बताऊंगी कड़ा गया होगा बाप बापी मैं तेरा दर्द समझूंगी क्योंकि मैं इस औलाद को तली कड़ ली मैंने मेरा मेरा गैल जो बढ़ रही है मैं समझूंगी पर समझना तो पड़ेगा ये वो कौन यहाँ में लौट के पागल ना है काम क्यों करे नहीं चल रहा ये तो लियाऊं के ना लियाऊं मेरी वो तो उधार होगी मेरा ध्यान में साके हो रहे हैं किस तरह सुनिए बच्ची सुनिए के वो दुकान आड़ा आया था बोले उधार ताई गणी हो रही है बोले दे दो कि मैं सामान सामान लिया माँ है हाँ ये वो कितना करके दूँ मैं कितना करके दूँ ग्रैंड मार्टी होगी सोरा था आप काम से में रखा करता उनके लिए राय बनता है ये रहना था टोटा कित सर नफा कित से ज्ञान ने तो ये भी अब वो है ये अब लगी है अब वही बात सही सके में भी यो यार दिन उन मरस का साल बेचारी या क्या करे क्या हो है 8-10 हज़ार रुपया में इन उन ते छोरी भी अंगड़बाड़ी में जाने लगी ठाली तो कोई बैठा को ना बोले मिनट की फुर्सत को ना रहने की कमाई को ना वो हाल हो रहा करा के दे इतना बूंदा टाइम तो उन्होंने कदे भी नहीं देखा था सुना सुना होगा सब की लवनी की आमदनी को नहीं जो भगवान ने कर दी पुरानी बात ले गई उनका कोई फायदा हो भाई यो राम से कितना भले भले अनुवा दे हमारी तो खाते कैसे भाई उसका 3 साल का है तो बताओ थे ना 3 साल सही बात है वो मेला भाई वो तो आंधी लग गया सरकारी नौकरी अच्छा रे संदीप आ जाएगा ना ताई संदीप लग जाएगा सरकारी नौकरी अरे भाई उसकी बात सही था सोच लिया के कति जमा खत्म होना हो रहे हम तो भाई न्यू ये दीपक जाने के बाद में दिन डगाए थे के डगाने में डगाए हैं ए भगवान ने एक बेटा घर पर खोज लिया एक दर से एक बेटा और दे रखा है भाई जान दसन भाई काम तो बढ़िया कर ही गया था कम तक उसने तो लायक बना गया उसने लायक बनाने के चक्कर में हां उसने लायक बना गया भाई देखो भाई आया पछन मेरा पट्टा का तो खेरा घर के ना रहेगा खेरेगा
देखे सुतरा काम होगा सारा। जितने दिन तुमने दुख के देखे ना, ये अगले जितने भी दिन बच गए तारे वो सारे खुशी के देखोगे तुम। माड़ा मन ना करा करो ताऊ। ना बेटा खुशी तो गई, मर्द बहुत दूर गई। खुशी उसका घाटा तो बेटा कोई ना भर सके। एक बार नुका अगर एक बाप के अगर दो आंगली पकड़ के चलते हो ने, अरे एक पकड़ी रख के उस बाप ने दूसरा हाथ में लगा था ने कट गया। सही बोल की ही बात करो ताऊ। बेटा मैंनु करोगे फिर घर का कौन देखेगा। वे देर से देख वह भी तो कि मैं अपना सारा लगाने लग रही है। जितनी उनकी बस की से उतना तो करे हैं वह भाई, करे हैं भाई। बस की तो यही मजबूरी में करने लग रही बेचारी। के करा कि मैं दिक्कत को नहीं आगे मैं तने को हूं। इसे दन दुश्मन ते भी नहीं दिखाने चाहिए। जैसे परमात्मा ने दिखा दी भगवान ने, हमने तो कोई बुरा भी को नहीं करा किसी का। अरे हमारा हंसदा खेलता परिवार ने एक मिनट में खिटा दिया। गलती कर दी बताओ मना के ना रहा ना बेटा। चलो रे देख ले, बढ़िया हो गया। भगवान ने इनकी भी सुन ली। सुन ली गए दिन सो गए। देख दुखी तो पाए बेचारे, छोरा पटा विदेश मर लग गया आंदे अपना भी हुंदा ने। बस देख कर राजी और मेरा भाई है गया, मेरा भाई है गया लाग के इतना खुश और वो के करा। उसके उसके नसीबा में थी एक उन्हें खुशी देखनी। जी जी ओले की तैयार बाबी। हाँ बस ओले तैयार ने तो हो गया के तैयार। हाँ बंद कर लियो कदे खुल जाए ऊपर से। वो छोर का टिफिन पैक कर दिया था। हाँ सारा काम कर दिया हमने। अच्छा माँ खड़ा है, माँ कह के चल हमने भी तो निकलना है। इब्बा तो देखियो टाइम 10 बज रहे हैं, हमें तो 11 बजे से जाना है। मैं भी बाड़क लेट तक आऊंगा। हां क्या करूंगी जाके एक दो काम कर लूंगी ना। हमारा 10:30 बजे ऑफिस खुल जाएगा। आधा घंटा रहे हमें काम था कि कोई बात है। काम के था दो बात कर जाने जाने तो पहले आवांगी तू भी चली जाएगी। उल्टे से ना आओगे मैं कहता बाड़क आ लेंगे पहले स्कूल में। हमारा जरूरी काम था और वह ताई दो जा रही थी। संदीप देवर ना तो मांग में सिंदूर ना तम चूड़ी। हाँ वो कुछ ना भाई, एबर चाय पानी बना के ले आऊं। चाय पिए सुन। हाँ ना तो भाई का फोन मिलता ना भाई का तो बात होती ना कदे फोन। अरे रेंज रेंज को ना रेंज दिया डाया। और बता भाई दम ठीक ठाक आ गया ना तू। मैं तो ठीक हूं। यार के लेके आया मार का प्रश्न तो बता दे। मैं तो घणी चीज लेके आऊं पर मां मां क्यों गया हैं और रोड क्यों लगी पानी। संदीप भाई पानी ले जा, पानी ला दे मां। रोन क्यों लग रही है तू? दीप कौन है यार तेरे जानती है। अरे ग्रांति आना उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गया मेरा बेटा। मां तन बताई भी कोनी। अरे बाबू के बात है जमाए पर आया कर दिया था कि अरे मेरा भाई चला गया। तुमने एक बार बताने की कोशिश कौन करी। अरे मैं कि दूर गया था पूछे बिना तो तू तो बेटा। अरे तुमने मैं उसका सपना कौन तोड़ना चाहते बेटा। उसने सपना देख रहा क्या था कि मेरा भाई विदेश से डॉक्टरी करके आवे और यहाँ से डॉक्टर लग गए। बाबू के करो इस डॉक्टरी का ही है। अरे मेरा भाई ना रहा जी कड़ा जाऊ ही पे। अरे मेरे के लिए बहुत गना गलत करा बाबू तुमने। अरे एक बार मैं मुंह तो देख लेता भाई का। भाई है? इतना कौन सा तू नजदीक था कि बीमारी था तो आ जाता। अरे नो कर लग रे जवान दिया ना एक्सीडेंट होया तो मैं कितनी दूर चला गया था ऐसा। अरे एक बार तो मैंने याद कर लेंदे, एक बार बता तो देंदे कम से कम। अरे तो हम किसने बतावा, हम किसने बतावा बेटा। हमने सिर्फ इसे बात खातिर को नहीं बताई कि तू सुन दे उल्टा बात जगह। और उसने अपने सारी जीवन की कमाई है तेरे ऊपर लगाई थी। बलाओ इस गुड़िया का और बेटी का दोनों अने घर सामरा के 3 साल थी है टूट गया। देवर हम तो तेरी बात देखा थे किस दिन तू आवे और सब कैन संभाला। बस बेटे हमने देख 3 साल थी ने तेरी भी कमी में और जो था कभी चार नड़िया उसकी तो कमी हुआ कर दी। ये बेटा ये
भाई अपना घर संभाल ले। तेरा सौदा तन्ने संभाल दे बेटा, तू संभाल। वो तो ना मुँह। जिम्मेवारी तो मुक्त कर बेटा। जिम्मेवारी तो किन्हों मुक्त हो जाएगा। हर काम धंधा तो मन संभाल लाए हैं, ठीक है। जो तुम बाबी की क्या हो के दुख झेल रहे हैं। देख बाबू, दुख तो झेलने पड़ेंगे क्योंकि इसका धनी मरिया है, मैं थोड़ी ना मरिया हूँ। और मैं बाहर न जा रहा था, मेरी डिग्री थी, मेरी डिग्री थी। नू नहीं, वो थम न डोए आंडूंगा। मैं मेरी खातर जा रहा था, सारे गांव खातर कौन जा रहा था, ठीक है। के तो समझ लिया था ना? समझ हजीबे तो हर मन कही तेरा भाई गया है, आपके लखड़ा गया है। मन कही थी आराम तो चाहिए, सब धनु चलाने का कोनी होता। देख ले सियानी, देख ले, लिख लेती है तो उसने फोन कान का ला लिया था। आज वो अपने लखड़ा गया है, आज मेरा पट गया बेटा। हैं तने गशड़ देसी कह दी, अब देख के चलाया करे साधन। तो मन ना सो तेरे खातिर हमेशा अच्छा ही करा। अरे उस भाई ने के कोन करा तेरी खातिर, के कोन करा? अरे सब की मैं तेरी खातिर तस दिया उसने, अपना खाना पीना नहाना धोना उठना बैठना सब कुछ तेरी खातिर छोड़ दिया उसने। और तू उस भाई खातिर मुंह कवर? तो फिर के है तू कह दे दूंगा मेरे मुंह मत लकड़ के। मेरे मुंह तो क्यों लकड़ गई? मैं कौन हूं? कौन कह देगा? कौन कह देगा? यो कोनी सा इसको को तू के कोनी? अरे इसके इसका भाई कोनी मरया, इसका भाई को बताए कोनी इसके? तीन साल इस मुंह ना के ना करा। अरे तू करना पड़ेगा। अरे कम से कम इतनी तो देखकर मारा खून का मुंह भर रहा है तेरे कोनी को। ऐसी खुशी आवर चेहरे के ऊपर तनांदे मारा मुंह पूंछ दिया रे। के कर रे मन ना क्यों मुंह पूंछ दिया? पूंछ दिया तेरे कर्मा ने, ठीक। मैं तो मेरे कर्म कर रहा हूं। हरमन ने डिग्री मिल गई, बढ़िया अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, चाहे किसी हॉस्पिटल में लागू। मैं किमे करूं? थमने की लेना देना? मैं मेरी खातर करूंगा नू थोड़ी ना कि थमने के गेल गेल ले आंडूंगा। आज ऊपर बैठा देखता होगा ना तू, यो दिन दिखाना था कि हमेशा क्या करती कमा ले। मन ने कमान दे दो अन्य जोड़ लेंगे, वरना सारी आस उम्मीद अपने भाई पे धर दी। देखे सियाणी, जिस दिन बड़ा डॉक्टर बनेगा, इसका खुद का हॉस्पिटल होगा, नाम होगा, उस दिन वारे नारे हो जाएंगे। होगी, देखा है ना, खूब वारे नारे होंगे। बाबू, क्यों पागलानी बात करने लग रही है? पागल तो बन गए हम, जिंदगी भर हम लोग लुगाई पागल है बढ़ते रहे, ठीक है। इसमें अपनी औलाद देखी थी, जमीन सब किम गाम लुकाया करता, बट्टा लाओ हो, पर हमने नु सोचा कर दे कुछ साल है नु देखा बट्टा लावा फिर रोशन होगा ना, होगा ना हम रोशन? के कौन करे इस खातर सब कुछ करया? मेरा भाई ना अपने सपने छोड़ दिए, बहुत तकलीफ। अरे पढ़ाया लिखा यार, हाँ जी यो दिखानती, यह एक छोटी सी उम्मीद बच रही थी। अक्समदीप भाई आओगा, वो इस घर न संभाल देगा, बांध के रखेगा। क्यों भैया यो सपना भी अपना चूर चूर हो गया, इस उम्मीद का भी आज यो आखिरी दिन हो गया। इब तो कोई उम्मीद ही ना बची। अच्छी कर तेरे भाई जाए पाछ छाती मुक्का मार लिया था, बता शायद लेखे से, पर कोई नहीं, माँ बाप एक बेटा और है, अपना घर बार सब संभालेगा। यार देखिए अपने भाई का नाम रोशन करेगा, उसके सपने पूरे करेगा, सपने आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी इसने। सपने तो पूरे कर लिए इसने, खुद के सपने पूरे करे हैं, ठीक। इसने माँ बाप तो कुछ मतलब को ना बांधता मतलब, और बाप भी तो सही कौन? जो माँ बाप का ना होया वो किससे का ना होया करे भाभी? यह उम्मीद छोड़ दो इस तरह, ये तो अपना खुद के पैरों पर खड़े होकर कुछ करना है। मेरी उम्मीद का तो आज आखिरी दिन था, उम्मीद को नहीं बिस्तर। मैं गैल खड़ी हूँ तेरे हमेशा साथ दूंगी, नु ही खड़ी रहूंगी जो इब तक खड़ी हुई हूँ। जिंदगी का सफर खुद ने तय करना, बहुत आस उम्मीद ला ली, अपने छोरे खातर खुद खातर जीना है, और वो अपने माँ बाप ने छोड़ गया, उसकी मैं जिम्मेदारी उठानी। यो अपना है ना? अपना को नहीं, अपना हुंदा ने तू इसने खुद खुद कौन दिख करे? अरे आप इन लोग मैं तामिन ढोंगा के तामिन के लिए को नहीं हम एक दिन आंगड़े हम गिनिया और लोग मेरे बेटे दिल और बेटा तनिया बात बोलनी है ना एक बार कह दे बेटा। मैं बाबू मैं तो मजाक करूंगा बेटा, कह दे। मजाक तो थारे के लिए कर दिया जिंदगी ने, ठीक। मजाक करूंगा मैं। सही कब है बेटा? सही कब है? सही कब है? मजाक जिंदगी ने मारा। संभाल आएंगे इस घर में।
संभालना ही जानी पर इसने थोड़ी भी न्यू कौन सोची रहे जिस भाई ने दिन रात एक करी रखे इस खातर एक बार भी छोर गया कम पानी आया तो पर मुझे ने कहा करता दीपक रांधा हो कि ना विश्वास कर तू इस पे मैंने कही थी मगर बेटा अपने देखे मैं बचा ले भाई भाई भी नहीं होता पर माई सी बात ना कर तू हमारे मन पाड़ेगी हाँ तू सही कहता वो बोले तू तेरा दूध खराब कोनी और बाबू मारे दोनों आखिर लगा मैं तेरा कौन दौड़े बोलिया हम दोनों भाई को नहीं बदल सकते और आज देख ले सिक्के के दोनों पहलू एक से हो गए इसका नाम की दीपक आजा देख ले संभाल ले कर देख